हमारी ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SGE वर्चुअल को सब्सक्राइब करें एंड लाइव क्लासेस लेने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर हमारे SGE प्लस ऐप को डाउनलोड करें। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक से कुछ एडिशन करना सीखे थे, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन है टू फाइंड एक्स एंड वाई। दो मैट्रिक्स दी गई हैं हमें, दोनों इक्वल मैट्रिक्स दी गई हैं बच्चों। इसमें हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में कंपेयरिंग करेंगे। बच्चों कंपेरिजन कैसे करते हैं इसे देखते हैं। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे बच्चों, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो आपके पास बच्चों क्या आएगा, 2x plus 1 equal to x plus 3। बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, x 2x minus x equal to 3 minus 1, तो x equal to बच्चों कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी प्रकार बच्चों दूसरी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयरिंग करेंगे कि y का एलिमेंट इसमें आ रहा है बच्चों, तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, 3y equal to y square plus 2। जब 3y को बच्चों इधर ले जाएंगे तो y square minus के 3y plus 2 equal to 0। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपकी quadratic equation बन रही है। quadratic equation को solve करना आप लोग जानते ही हैं, किस तरीके सॉल्व करेंगे, इसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो y square minus के 2y minus के y plus 2 equal to 0। बच्चों एक फैक्टर हमारे पास ये है, एक फैक्टर हमारे पास ये है, तो y कॉमन ले लेंगे तो y minus 2 माइनस वन कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। बच्चों फैक्टराइजेशन करते समय हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए, यदि समान है तो हमारे फैक्टर सही है, अदरवाइज गलत है। एक फैक्टर ब्रैकेट का लेंगे, एक विदाउट ब्रैकेट लेंगे, इक्वल टू जीरो, तो वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू टू, वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू वन। हमारे पास यहाँ से वाई की दो वैल्यू आ गई बच्चों, वाई की दो वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों अगले स्टेप पे हमारे पास बेटा ये और लिखा हुआ है, इसकी कंपेयरिंग बच्चों हम इससे करेंगे, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, y स्क्वायर माइनस के 5 बाई इक्वल टू माइनस 6, 6 को इधर लाएंगे तो y स्क्वायर माइनस के 5 बाई प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों सेम ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके ही फैक्टर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस के 3y माइनस के 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों एक ही करके 0 के बराबर रखेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। सेम यहां से y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। हमारे पास x एंड y की वैल्यू निकल रही है बच्चों, लेकिन अब समस्या आ रही है, x की वैल्यू तो हमारे पास सिंगल है लेकिन y की वैल्यू, दो वैल्यू हमें यहां से मिल रही है, दो वैल्यू हमें यहां से मिल रही है। तब इस सिचुएशन में हम y की वैल्यू को क्या लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो इन दोनों y की वैल्यू में, दोनों वैल्यू में जो कॉमन वैल्यू है बच्चों, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है, y की वैल्यू दोनों में कॉमन क्या बेटा, 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो y की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2। तो इसी तरीके से कॉमन वैल्यू को देखते हुए y की वैल्यू हमारे पास क्या है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो हमारे पास आंसर x एंड y की वैल्यू में दोनों के पदों में आंसर हमें मिल गया है। ठीक है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। बच्चों हमें इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, दो मैट्रिक्स हमें दी गई है बच्चों, मैट्रिक्स के बाहर बच्चों हमारे पास टू लिखा हुआ है, तो बच्चों हम इसे क्या लिखेंगे, 3 4 x y। सॉल्यूशन में टू का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से कर देंगे बच्चों, कितना जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे 3, 2 का मल्टीप्लाई z से करेंगे 2z, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बच्चों 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन करेंगे आपस में कि हमें x y z की वैल्यू क्या है। x का वेरिएबल सेकंड ऑर्डर पर है बच्चों, इधर ही हम सेकंड पे देखेंगे क्या है बेटा, 2। x की वैल्यू की बच्चों कितनी आ गई, 2। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2।
तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, टू। जेड की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इससे कंपेयरिंग करेंगे आपस में, तो फोर इक्वल टू टू जेड, टू को डिवाइड में भेजेंगे, तो फोर अपॉन टू इक्वल टू जेड, टू से टू टाइम, तो जेड इक्वल टू टू। तो बच्चों हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू टू एंड जेड की वैल्यू टू, ये बच्चों आपका रिजल्ट रहा। ठीक है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास बच्चों क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू वन वन टू एंड टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन टू टू वन टू फाइंड एक्स। मैं बच्चों इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। बच्चों अगर मैंने पहले और दूसरे इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है, तो हमारे पास ऑनली एक्स में वेरिएबल बचेगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दोनों को दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो हम ऐड करेंगे बच्चों लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों आपके पास x प्लस वाई प्लस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करेंगे बच्चों, टू वन वन टू प्लस वन टू टू वन, दोनों मैट्रिक्स को हमने बच्चों ऐड कर लिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच्चा हमारे पास क्या टू और टू एक्स और वन एक्स थ्री एक्स इक्वल टू। बच्चों हमने बताया था आपको दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड की जा सकती है यदि उनके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर चेक करेंगे तो रो वन एंड रो टू, कॉलम वन एंड कॉलम टू 2 बाई टू की मैट्रिक्स है, ये बच्चों 2 बाई टू की मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो बच्चों आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 3x इक्वल टू 3, 3, 3, 3। बच्चों पूरे में से तीन कॉमन मिल रहा है, 3x इक्वल टू 3, वन 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 वन, बच्चों थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वन 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 वन। तो बच्चों आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन ने एक्स की ही वैल्यू आपसे पूछी थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपके पास बच्चों क्वेश्चन है ए प्लस टू बी इक्वल टू थ्री टू फाइव माइनस टू वन माइनस सेवन, टू ए माइनस बी इक्वल टू सिक्स माइनस सिक्स जीरो माइनस फोर टू वन, टू फाइंड ए एंड बी। बच्चों इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे ए और बी की वैल्यू को बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखेंगे पहले के आप देख रहे हैं पहली इक्वेशन ये बन रही है, दूसरी इक्वेशन से आपकी ये बन रही है। अगर बच्चों आपको ए को इल्यूमिनेट करना है तो यहाँ टू ए, यहाँ टू नहीं है, अगर इस पूरी मैट्रिक्स में टू का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया जाए बच्चों तो टू ए हो जाएगा, ये टू ये हो जाएगा, फिर दोनों मैट्रिक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा अगर इस मैट्रिक्स में टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली फर्स्ट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपके पास क्या आएगा टू ए और दोनों साइड होता है बच्चों, टू का मल्टीप्लाई टू से करेंगे प्लस फोर बी इक्वल टू, टू का मल्टीप्लाई इस पूरे एलिमेंट में करेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट में करेंगे, तो बच्चों आपके पास क्या आएगा टू को मल्टीप्लाई करें टू थ्री या सिक्स, टू टू या फोर, टू फाइव जा टेन माइनस और टू का वन वन है टू, ठीक है बच्चों टू का माइनस सेवन हो रही है माइनस के फोर्टीन। आपकी आपके पास देखिए इक्वेशन ये लिखी है टू ए माइनस बी इक्वल टू सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स टू जीरो वन। बच्चों जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों प्लस प्लस ये अभी कैंसिल तो होती नहीं है, तो हम सिंबल चेंज कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फोर बी प्लस बी फाइव बी इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिक्स फोर टेन माइनस फोर टू माइनस फोर्टीन माइनस हो रहा बच्चों सेकेंड मैट्रिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो माइनस फोर टू वन।
तो 5 भी इक्वल टू, बच्चों जिस तरीके से हम मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं उसी तरीके से बच्चों मैट्रिक्स को आपस में घटा भी सकते हैं। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से घटाएंगे, 6 माइनस 6, 4 माइनस 6, 10 माइनस 0, माइनस 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, माइनस 14 माइनस 1, फाइव बी इक्वल टू, सिक्स में सिक्स जाएंगे बच्चों जीरो, फोर माइनस माइनस प्लस, फोर प्लस सिक्स टेन, फोर प्लस माइनस फोर प्लस फोर जीरो, माइनस 15। बच्चों फाइव बी इक्वल टू आपके पास आ रहा है बच्चों कितना, जीरो जीरो टेन जीरो टेन माइनस 15। जो इस पूरे मैट्रिक्स में आपको पांच कॉमन मिल रहा है, इसके आगे ऊपर चलेंगे बच्चों थोड़ा सा। देखो बच्चों तो 5b इक्वल टू इस पूरे मैट्रिक्स में पांच कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो कितना बचेगा हमारे पास, जीरो 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 टू जीरो टू जीरो, बच्चों की फाइव कॉमन ले लिया बच्चों अपने, टू माइनस थ्री, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, जीरो जीरो टू जीरो टू माइनस थ्री। बच्चों आप लोग बी की वैल्यू निकाल चुके हैं कि बी की वैल्यू हमने कैसे किस तरीके से सॉल्व की, पूरा सॉल्व प्रोसीजर समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों जैसे कि अभी आपने बी की वैल्यू को इवेल्यूएट किया था, अभी हमने क्या किया था बच्चों, दो का मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन में मैट्रिक्स में, तो हमने सॉल्व किया हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। जब हमने टू का मल्टीप्लाई किया तो हमने बी को बी की वैल्यू निकाली, ए को रिमूव किया बच्चों हमने, लेकिन अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो बी को सेम करना होगा। तो अब पहले पहले इक्वेशन में ना लगा के सेकेंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, इसमें टू का मल्टीप्लाई ईच टर्म में करते हैं जैसे बच्चों अभी किया था। जब ईच एलिमेंट में इसका टू का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 4a माइनस 2b इक्वल टू, टू का मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स में करेंगे, 12 माइनस 12 जीरो, माइनस 8 टू टू जा 4, टू वन जा 2। बच्चों एक हमारे पास ये आ गई, इसमें टू का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक न्यू जनरेट ही हो गई। इसके बाद बच्चों हम इसके साथ कंपेयर करके इसे सॉल्व करेंगे, तो a प्लस टू बी इक्वल टू थ्री टू फाइव माइनस टू वन माइनस सेवन। बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, फोर ए और एक ए फाइव ए इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ट्वेल्व माइनस एट माइनस ट्वेल्व फोर जीरो टू प्लस थ्री टू फाइव माइनस टू वन माइनस सेवन, फाइव ए इक्वल टू बच्चों इनको ऐड करेंगे, ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, माइनस ट्वेल्व प्लस टू माइनस टेन, जीरो प्लस फाइव जीरो प्लस फाइव कितना आएगा बच्चों, फाइव आएगा, माइनस एट प्लस माइनस टू, माइनस एट प्लस माइनस टू यानी बच्चों कितना आएगा, माइनस एट प्लस माइनस टू, इसका मतलब क्या है, एट माइनस टू यानी बच्चों कितना आएगा, माइनस के टेन, फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस सेवन यानी बच्चों क्या आएगा आपके पास, टू प्लस माइनस सेवन, तो टू माइनस सेवन इक्वल टू माइनस फाइव, तो कितना आ रहा बच्चों, माइनस फाइव। पूरी मैट्रिक्स में फाइव कॉमन ले लेंगे तो फाइव ए इक्वल टू फाइव थ्री माइनस टू, डिवाइड लाएंगे फाइव फाइव में, वन माइनस टू वन माइनस वन, फाइव से फाइव कैंसिल, बच्चों ए की वैल्यू आपके पास आ गई थ्री माइनस टू वन माइनस टू वन माइनस वन। आपने देखा बच्चों ए की वैल्यू आपके पास ये आ रही है एंड बी की वैल्यू बच्चों ये आ रही थी आपके पास, अब क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था फाइंड ए एंड बी, तो समझ में आया होगा। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास का,
बिल्कुल डिफरेंट वे का क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों, ए इक्वल टू ए आई जे 2 by 3 की मैट्रिक्स है बच्चों, वेयर ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोसीजर को कैसे फॉलो करेंगे, इसके लिए कुछ समझ लीजिए बच्चों। जैसे कि एक मैंने रफली एक मैट्रिक्स ले ली है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स बच्चों हमने ये ले रखी है, एक रफली मैट्रिक ले रखी है बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे एक रफली मैट्रिक है ए इक्वल टू a11 a12 a13, a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये बच्चों आपके पास 3 by 3 की मैट्रिक्स है। 3 by 3 की मैट्रिक्स में बच्चों हमने ये लिया है a11, इसका मतलब बच्चों ये है a11 लिखा है, पहला एलिमेंट i को इंडिकेट करता है, सेकंड एलिमेंट j को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार बच्चों लिखा हुआ a12 लिखा हुआ, पहला आई के लिए इंडिकेट रहेगा, सेकेंड जे के लिए इंडिकेशन रहेगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, 2 by 3 की मैट्रिक्स पूछी है कि 2 by 3 की मैट्रिक्स क्या होगी। इसकी हेल्प से हमें 2 by 3 की मैट्रिक्स बनानी है, और 2 by 3 की मैट्रिक्स को बनाने के लिए बच्चों हमें 2 by 3 की मैट्रिक्स चाहिए। तो रफली बच्चों हमने मैट्रिक्स ले ली a11 a12 a13 a21 a22 a23, 2 by 3 की मैट्रिक्स है। तो बच्चों इसके सभी एलिमेंट्स को हमें निकालना होगा कि इनके इसके सभी एलिमेंट को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, इसे ध्यान देना है बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, सबसे पहले मुझे इसके लिए a11 निकालना होगा। तो बच्चों a11 निकालूंगा, a11 इसका मतलब क्या है, आई के रिप्लेस पे 1 लिखा जाएगा, जे के रिप्लेस पे 1 लिखा जाएगा बच्चों, है ना। और लिखेंगे बच्चों कहाँ पर, जो हमें ये हिंट दी गई है इसमें बच्चों। तो जब a11 निकालेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों, a11 निकालने के लिए i के रिप्लेस पे 1 लिखेंगे, माइनस j के रिप्लेस पे 1 लिखेंगे, अपॉन 1 प्लस 1। तो आपके पास जो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 1 में से 1 जाएगा 0, और 1 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 2। यानी आपने देखा कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0, 0 में जब 2 का डिवाइड लगाएंगे तो बच्चों आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा बच्चों। सिमिलरली बच्चों a12 निकालेंगे हम लोग, a12 निकालेंगे, इट मींस i के रिप्लेस पर 1, j के रिप्लेस पर 2, i के रिप्लेस पर 1, j के रिप्लेस पर 2, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, इसका मतलब बच्चों क्या है, माइनस 1 अपॉन 3 ये रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली बच्चों हम निकालेंगे a13, क्या निकालेंगे, a13 निकालेंगे। तो जब a13 निकालेंगे बच्चों, हमारे पास a13 निकालने के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, i के रिप्लेस पर 1 लगाते हैं और j के रिप्लेस पर 3 लगाएंगे, तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू रिजल्ट कितना है बच्चों, -2/4, इसका मतलब बच्चों कितना आएगा, -1/2, ये रिजल्ट आ गया। इसी पर बच्चों हम निकालेंगे a21, i के रिप्लेस पर 1 2 लगाएंगे, j के रिप्लेस पर 1 लगाएंगे, इसी इक्वेशन में लगाएंगे, i के रिप्लेस पर 2, j के रिप्लेस पर 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ रहा बच्चों, 2 में से 1 सबट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा बच्चों, 1/3। इसी पर बच्चों हमारे पास अगला एलिमेंट है a22 निकालेंगे, जब हम a22 निकालेंगे तो a22 निकालेंगे बच्चों तो कितना आया हमारे पास, a22 यानी i के रिप्लेस पर 2 और j के रिप्लेस पर 2, तो हमारे पास 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 0/4, इट मींस 0 आएगा बच्चों। लास्ट एलिमेंट कितना बचा हमारे पास, a23 बचा है, तो a23 यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, i के रिप्लेस पर 2 लगाएंगे, j के रिप्लेस पर 3 लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों हमारे पास, -1/5। जो ये सारे रिजल्ट आए हैं बच्चों, इन सभी रिजल्ट को इसी मैट्रिक्स में लिखेंगे, 2 by 3 की मैट्रिक्स में, जो हमने 2 by 3 की मैट्रिक्स को कंसिडर किया बच्चों। तो a इक्वल टू a11 की वैल्यू बच्चों वैल्यू कितनी है, 0, a12 की वैल्यू कितनी है, -1/3, a13 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/2, इसी प्रकार बच्चों a21 की वैल्यू कितनी है, 1/3, a22 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, a23 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/5। ये बच्चों आपके पास रिजल्ट आ गया 2 by 3 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई बच्चों, ये समझ में आया होगा आपके।
बच्चों इसी तरीके से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 0 माइनस 1 अपॉन 5 2 बाई 3 की मैट्रिक्स आ गई। बच्चों क्वेश्चन है 2 बाई 3 की मैट्रिक्स ही पूछी थी, जो जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये समझ में आया बच्चों। बच्चों आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको आपसे, उससे पहले आप हमारे चैनल SGE वर्चुअल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।